गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका अपना रवि फिर से हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं आपका केदारनाथ। तो अभी हम निकल चुके हैं केदारनाथ को। ये भाई लोग हमारे काफ़ी रात में निकले थे तो अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, रातें रखते हैं। ये हमारे भाई लोग हमारे साथ हैं, तो देखिए हम अपनी गाड़ी से निकले हुए हैं। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो भाई लोग यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, तो आप उसको दिखाते हैं ब्रश करते हुए। हमारे अभिजीत भाई जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और ये भाई साहब जो अभी ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। इन सब में पहले काम ब्रश कर लो, अगर नहीं काफ़ी देर में ब्रश करते हैं। ठंडा है यहाँ पे, देखिए ब्रश कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैसे यहाँ पे डंपर खड़े हैं। और इधर का हम आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी आज। मैं तो घर से निकला था, एक जैकेट भी नहीं लेके आया। मैं तो सोचा था यहाँ पे ठंडा कम होगा, आजकल गर्मियों के दिन है तो यहाँ पे तो बहुत ठंडा है। मैं हाफ में आ गया हूँ यहाँ घूमने के लिए। तो अभी तो हमने केदारनाथ की चढ़ाई करनी है, 22 किलोमीटर समथिंग हमने पैदल जाना है। और 22 किलोमीटर पैदल जाने के बाद फिर 22 किलोमीटर चलने में तो काफ़ी गर्मी हो ही जाती है। उसके बाद देखिए फिर अगर ठंडा होगा तो वहाँ पे हमारे कुछ साथ वाले गए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो देखो फिर वहाँ पहुँच के क्या होता है, कैसी हमारी हालत होती है ठंड से, क्योंकि मैं तो घर से जैकेट लाना भूल गया। ये देखिए अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं गाड़ी, चाय पीने के लिए रुके हैं। अभी हम यहाँ पे चाय पीएंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, ठंड में चाय पीने का कुछ मज़ा ही अलग है। ये देखिए रोशन भाई साहब चाय की फोटो ले रहे हैं, और ये हमारे भाई लोग चाय पी रहे हैं, ये हमारे विशाल भाई। नमस्ते भाई। तो आज की यहाँ की चाय कैसी लगी आपको? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। इन्हें काफ़ी पसंद आई चाय, ये हमारे अभिजीत भाई। आपको चाय कैसी लगी? ठंड में चाय का मज़ा ही कुछ और है। और ये हमारे ताना जी आपको हाथ लाते हुए। तो अभी हम यहाँ पे अजय ढाबा पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे चाय का कुछ जो है ना आनंद ही अलग है, देख सकते हैं आप। देखते ही बिल्कुल लग रहा है कि हाँ चाय कुछ स्पेशल है। स्नोफॉल कितना हुआ है, अभी हम आपको केदारनाथ मंदिर में दिखाएंगे। यहाँ 12 मास बर्फ पड़ी रहती है। कर्ण प्रयाग से होते हुए अभी गुप्त काशी पहुँच चुके हैं, और ये हमारे दोस्त लोग हैं, हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है। यहाँ पे हमारे हम 5 लोग तो हैं, और 2 दोस्त हमारे और थे, उनने यहाँ पे रूम लिया था। अभी उनकी बाहर को एंट्री होगी तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे 2 दोस्त और हैं जो यहाँ पे रुके थे, तो उनने ये देखे, ये हमारे तिवाड़ी जी बाहर को आते हुए, और पीछे हमारे भाई दो भाई हमारे यहाँ पे पहले से ही रुके हुए थे, ये अपनी अपाचे से आए हुए हैं। तो अब हम सब यहाँ से एक साथ केदारनाथ को जाएंगे। ये आप देख सकते हैं गौरी पिंड से आगे थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे पुल के नीचे 3 ट्रक गिरे हुए हैं, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसी को लगी है या नहीं लगी। एक वो सामने भी गिरा आप देख सकते हैं, वहाँ पे जेसीबी भी एक पलटी हुई है, तो काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हुई हैं नीचे। तो अभी तो फिलहाल ऐसा किसी के लगने की कोई तो आशंका है नहीं, फिर भी अब तो हम तो लेट पहुँचे थे, तो आप देखिए पता चलेगा कि किसको लगी है किसको नहीं लगी। अभी यहाँ पे 3 ट्रक पलटे थे, पहुँच चुके हैं यहाँ पे केदारनाथ के टिकट काउंटर पे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और कोविड की दोनों डोज यहाँ पे लगी होनी चाहिए तभी आपको आगे जाने देंगे, और जिसको एक डोज लगी है उसके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है तभी यहाँ से आगे जाने देंगे, वरना यहाँ से आगे नहीं जान दिया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारा पुलिस प्रशासन है जो सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखिए कैसे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इसके लिए कोविड की दोनों डोजों का लगा होना ज़रूरी है।
आप आइए तो यहाँ पे जरूर कोविड की दोनों डोज लगा के आइए। अगर आपको एक डोज लगी है तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आपको लेके आनी पड़ेगी। हम केदारनाथ को जा रहे हैं, यहाँ से 22 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो आप देखिए अभी सब पैदल चल रहे हैं, सारा झुंड पैदल है। हमारा ग्रुप जो है यहाँ पे सब ने लाठियाँ ले ली हैं और ये लाठियाँ लेके अभी सब ऊपर मंदिर को जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ से हमने 22 किलोमीटर पैदल सफ़र करना है। तो 22 किलोमीटर काफ़ी लंबा होता है, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचती है बात, कहाँ तक जा पाते हैं। शाम को 6 बजे आरती होनी है, उसके बाद उस आरती में हमें इकट्ठा होना है। तो सभी पैदल जा रहे हैं और जो पैदल नहीं जा पाता है उसके लिए घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप घोड़े में भी यहाँ से जा सकते हैं। देखिए बाइक हमने ले लिया, बाइक लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ पर घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है, जो पैदल नहीं चल सकते हैं वो यहाँ से घोड़ा भी ले सकते हैं 1000-2000 रुपये, जैसा मर्जी रहता है। यहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं है, आपकी बार्गेनिंग की जाएगी, उसके बाद आप जितने में फिक्स हो जाते हैं उतने में आपको घोड़ा मिल जाएगा। घोड़े की पूरी पूरी सुविधा है, आना जाना 5000 रुपये बोलते हैं, उसके बाद आप फिर बार्गेनिंग करेंगे इनके साथ तो शायद 1000 रुपये में 1000 या 1500 रुपये में आपको ऊपर मंदिर तक पहुँचा दिया जाएगा, केदारनाथ मंदिर पर। ये देखिए झरना आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू दिखता है। आप देखिए ये हमारे तिवारी जी और ये हमारे कितने भाई, ये भाई लोग हमारे जो साथ में आए हैं वो छोटे भाई साहब सब अभी जा रहे हैं। तो लोग कैसे पैदल आ रहे हैं, बहुत हालत खराब हो गई चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते, आप देख सकते हैं। हाँ ये 15 से 20 किलोमीटर का आपका सफ़र है, ये 20 किलोमीटर में बहुत चलना पड़ता है, 20 किलोमीटर ऊपर 20 किलोमीटर नीचे। तो जो लोग यहाँ पे रास्ते में थक जाते हैं उनके लिए घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है, और ये जगह जगह पर आपको ऐसे झरने दिखाई देंगे। आप देखिए वीडियो में ये जो हमारे कुछ दोस्त लोग हैं काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस झरने के पानी का। आप भी जरूर आइए यहाँ पे, और अगर कोई बच्चे हैं तो उनको ये अपनी पीठ पे लाद के ले जाते हैं, उसका कोई मिक्सिंग चार्ज नहीं है आपका। और वो हमारे तिवारी जी जो हाथ ला रहे हैं वहाँ से, आप देख सकते हैं कितना ऊपर से झरना गिर रहा है, आप देखिए काफ़ी ऊपर से झरना गिर रहा है। हमें 5 बजे तक मंदिर पहुंचना है, 15-16 किलोमीटर से पैदल चलकर, तभी हमें शाम की आरती मिल पाएगी। चलने के बाद आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं, काफ़ी खा दिया है, 4-5 किलोमीटर हम आ चुके हैं, अभी 11-12 किलोमीटर और जाना है। तो आप देख सकते हैं हालत थोड़ी बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। आप मेरे पीछे झरना देख सकते हैं कितना मस्त, केदारनाथ की घाटी जो पिछले साल जिससे तबाही मचाई थी दो साल पहले, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक भर के आ गई थी, इससे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था, उसके बाद भी बहुत जल्दी रिकवर किया है। और ये इसके ऊपर से पुल बनाया गया है जिसमें घोड़े के जाने की व्यवस्था तो नहीं है, मगर आप पैदल ज़रूर जा सकते हैं ये देखिए। और हेलीपैड सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है, देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा किनारे में जाने में पुल काफ़ी हिल रहा है तो इसमें डर भी लग रही है। ये देखिए लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी थके हैं, करीब 12 किलोमीटर पैदल चल कर हम अब यहाँ पे पहुँचे हैं केदारनाथ की घाटी में। अब
से यहाँ से समथिंग 8 किलोमीटर हो रहा है और 7 बजे की आरती हमें अटेंड करनी है। तो अभी देखते हैं 7 बजे की हमारी आरती अटेंड हो पाती है या नहीं। ये देखिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी लोग तो घोड़े पे भी जाते हैं और काफ़ी पैदल चल के जाते हैं जिससे पूरी श्रद्धा के साथ। और हम भी आज हमने भी कहा कि पूरा पैदल चल के जाएंगे। पैदल चलने का मज़ा ही कुछ और अपना अलग है, क्योंकि घोड़े में तो हर कोई जाता है, पैदल जो चला जाए 20-22 किलोमीटर तो उसका मज़ा कुछ और है। आज काम भी ज़्यादा करने लगे हैं।